brought to you by ITIL. आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के घर ईडी पहुंचे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ईडी अफसर उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी इसे लेकर ईडी की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़े सवाल किए गए। अमानतुल्लाह खान ने सबसे पहले अपने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा भी अभी इनसे ईडी वालों से कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। दो मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 8 अप्रैल को 13 घंटे में ईडी के अंदर रहा, पूछताछ की, और उसके बाद में 13 घंटे बाद में आया। सर्च ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले एसीबी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ईडी सर्च कर चुकी है, अब क्या सर्च करने के लिए मेरे घर पे आए हैं। तो इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईडी की निर्दयता देखिए, अमानतुल्लाह खान पहले ईडी की जांच में शामिल हुए, उनसे आगे के लिए समय मांगा, उनकी सांस को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी घर में सुबह सुबह धावा बोलने पहुंच गए। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दें। आज तक के हवाले से बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड में 32 अवैध भर्तियों, वक्फ बोर्ड फंड के गलत इस्तेमाल और देश विदेश में करोड़ों के लेन देन का आरोप है। शुरुआत में ऐसे वीडियो भी आए जिसमें अमानतुल्लाह ने ईडी के अधिकारियों को घर में घुसने से रोका और अमानतुल्लाह की ईडी के अधिकारियों से जमकर बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरी सास का 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और आप फिर मुझे अरेस्ट करने आ गए। देखिए एसएचओ साहब, जब जब इन्होंने मुझे बुलाया जी, तब तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी, अगर आपकी आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर साहब सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा इसलिए लगा कि लोकल अध्यक्ष मेरे मौजूद नहीं थे, मैंने कहा कि लोकल आ जाए। सुनो, अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर। अमानतुल्लाह ने यह भी कहा कि इस मामले में पहले ही मेरे घर की जांच हो चुकी है, मुझसे पूछताछ हो चुकी है, फिर आखिर क्यों रेड की जा रही है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अफसरों के साथ दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम और अर्धसैनिक बल के जवान भी विधायक अमानतुल्लाह खान के बाहर पहुंचे थे। ईडी पहले भी उनसे कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है।
सुबह सुबह काफी हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिला। जब ईडी के ऑफिशियल आए, वो अंदर जाना चाहते थे, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, लेकिन अमानतुल्लाह खां उनको रोक रहे थे। और वीडियो में अगर आप देखें तो अमानतुल्लाह खां ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में आपने रेड करी थी 2023 में, इसी घर में कुछ नहीं मिला, तो अब क्या तलाश करने के लिए आए। जिसके बाद ईडी ऑफिशियल कह रहे थे कि हमारे पास सर्च वारंट है। तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चला और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर अपनी तरफ से एमएलए ने पोस्ट किया था, जिस पर रिएक्शन भी बीजेपी का है। लेकिन अभी एक नया वीडियो आया जिसमें आर्गुमेंट चल रहा है। अमानतुल्लाह खान ईडी ऑफिशियल को कह रहे हैं कि जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत खराब है, उनकी मौत होती है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। जिसके बाद ईडी ऑफिशियल कह रहे हैं कि आप ज्यादा शोर मचा रहे हैं, आप अपनी मदर इन लॉ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद फिर लोकल पुलिस पहुंची यहां पर और वो आपको दिखाई भी दे रही होगी बड़ी संख्या में, ईडी के ऑफिशियल की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर, और प्रॉपर जांच चल सके इस वजह से जो यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहां पर मौजूद है। और जो ईडी की टीम है, ये जो अमानतुल्लाह खान का घर है, इस घर से अंदर वो जो अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर फिलहाल ईडी के ऑफिशियल मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है। वक्फ बोर्ड स्कैम एलिगेशन था, उसी में ये पूरी रेड अमानतुल्लाह खान के घर पर चल रही है। सबसे पहले इस मामले में दिल्ली गवर्नमेंट की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सर्च किया था, कैश रिकवर हुआ था अमानतुल्लाह खान और उनके एसोसिएट को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था। एक लाल डायरी भी रिकवर हुई थी जिसमें पैसे का लेन देन का जिक्र था। उसके बाद ईडी के पास केस गया मनी लॉन्ड्रिंग का और उसी मामले में ईडी की टीम आज अमानतुल्लाह खान के घर पर सुबह सुबह पहुंची। इस पूरे मामले में अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान ने इमामों की तनख्वाह, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बड़ा घोटाला किया है। जिसने 19 करोड़ रुपए की इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की, जिसने फतेहपुरी में जो एमसीडी का स्कूल था, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसको खाली करा के उस पर दुकानें बना के उससे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इलीगल तरीके से। अमानतुल्लाह खान जिस पर वक्फ बोर्ड के 7 में से 4 मेंबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत की, भ्रष्टाचार की। अमानतुल्लाह खान ने 162 इलीगल भर्तियां की और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। अमानतुल्लाह खान जिसकी बारे में आम आदमी पार्टी के लोग उसको ये बता रहे हैं, वो एक नोटोरियस भ्रष्टाचारी और एंटी सोशल एलिमेंट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने विधायक अमानतुल्लाह खान से 18 अप्रैल को 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया था कि पूछताछ उनके नेतृत्व वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई। उस दौरान ईडी ऑफिस में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए अमानतुल्लाह ने दावा किया था कि जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया था, कानूनी सलाह लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम के अनुसार सब कुछ किया गया था। तो अभी तक इस मामले में ये नई जानकारियां मिल रही हैं। जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।